नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं लालची पंडित की कहानी सुनाऊंगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कपटी पंडित। एक गांव में एक पंडित रहता था, उसका नाम रामदास था। वह पंडित बहुत ही चालाक और लालची था। वह लोगों को धर्म के नाम पर लूटता और धोखा देता था। उसकी आंखों में सिर्फ पैसों की चमक ही थी। एक बार एक गरीब आदमी ने पंडित रामदास से यज्ञ का आयोजन करने के लिए बुलाया। पंडित ने उससे बहुत सारा पैसा लिया और फिर बिना यज्ञ किए ही वहां से चला गया। गरीब आदमी को ठगने के बाद भी पंडित की चालाकी बाहर आ गई। धीरे धीरे ग्रामीण लोगों की आंखें पंडित की चालाकियों से खुल गईं। वे समझ गए कि पंडित रामदास केवल धन के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रहा है। उनमें से एक युवक ने निश्चय किया कि उन्हें पंडित की चालाकियों का अंत करना है। युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पंडित को चुनौती दी। वह कहा, पंडित जी, आप धर्म के नाम पर हमें धोखा देते हैं। हमें यह स्वीकार नहीं है। हमें आपके खिलाफ कड़ा कार्यवाही करनी होगी। पंडित ने उन्हें हंसते हुए देखा और कहा, तुम लोग क्या करोगे? मुझे कुछ नहीं हो सकता। युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ग्राम के लोगों को एकजुट किया और एक नई योजना बनाई। उन्होंने एक संयमित और सामाजिक यज्ञ की धारा बनाई, जिसमें सभी लोग भाग ले सकते थे बिना किसी पंडित की मदद के। पंडित रामदास को इस नई योजना से बड़ा झटका लगा। उसका धंधा खतरे में था। वह जानता था कि अब उसका चालाकी का खेल खत्म हो गया है। ग्रामीणों ने यज्ञ की धारा को सफलतापूर्वक संचालित किया। यह उनके लिए नई आत्मविश्वास की कहानी बन गई। वे समझ गए कि धन के पीछे नहीं, धर्म और सच्चाई के पीछे भागना चाहिए। पंडित रामदास का समाज में सम्मान और लोगों के विश्वास की खोई हुई थी। उसने धन के प्रति अपनी लालची आदत से सजगता सीखी और सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प किया। ग्राम के लोगों का सामूहिक निर्णय पंडित रामदास को पुनर्स्थापित करने का संकेत था। उन्होंने पंडित से माफी मांगी और अपने गलत कामों के लिए प्रायश्चित किया। पंडित ने भी अपने अभिशापी रास्ते का परित्याग करके संगीत और शांति के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और धन के प्रति अत्यधिक आसक्ति हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। सच्चाई, न्याय और ईमानदारी कभी भी हमें उच्च स्थान पर ले जाती है। यह कहानी हमें धर्म के असली अर्थ को समझाती है, जो लालच और धन के प्रति अपनाने के बजाय सच्चाई और न्याय के प्रति अपनाने का होता है।